हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सेलेक्टिवली संस्कारी। दिस इज मी निवेदिता। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी रेसिपी है पालक पनीर और मम्मी यहाँ पे पालक साफ कर रही हैं। ब्लिंकिट से मैंने इस सब्जी में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें हैं जो मंगाई थी, जैसे कि अमूल का फ्रेश क्रीम और पालक पनीर के लिए हमें पनीर की भी रिक्वायरमेंट है। पनीर अगर आप डेयरी से नहीं लेके आ रहे हैं और आपको बाज़ार से या ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो हमेशा मदर डेयरी का मलाई पनीर ही ऑर्डर करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वही यूज़ करती हूँ। चलिए आप कट कर लेते हैं पनीर को अपने मन पसंदीदा शेप में। आपको ट्रायंगुलर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, या आपको थोड़े बड़े क्यूब्स रखने हैं या छोटे क्यूब्स रखने हैं। और पीछे जो आप सीटी सुन रहे हो वो पालक को मैंने बॉईल करने रख दिया है, तो एक विसल आने पे आप बंद कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आप उबाल लें। आप अपने हिसाब से पनीर के क्यूब्स काट सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से काटे हैं जो कि ज़्यादा बड़े भी नहीं है और ज़्यादा छोटे भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा पालक हो गया है रेडी। पालक को ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है, सिर्फ एक या 1.5 विसल आप दे सकते हो। वैसे तो ये भाप के अंदर ही हो जाता है। और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम करते हैं अपने पनीर के क्यूब्स को फ्राई। ये मैंने लिया है अपना नॉनस्टिक पैन। इस पर थोड़ा सा ऑयल मैं डालूंगी, ग्रीस कर दूंगी और फिर इसके ऊपर डालूंगी अपने क्यूब्स। एक या 2 मिनट तक इसको एक साइड से कुक होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। और ये देखना है कि बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन आए, बिल्कुल ज़्यादा जले हुए पनीर भी ना लगे। अगर आपने सेम टाइम ही पालक को बॉईल किया है तो आप ऐसे स्ट्रेनर में लेके ठंडे पानी से उसको धो सकते हैं ताकि सारी भाप उसकी निकल जाए। और फिर एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के आप उसको बहुत ही अच्छा पेस्ट बना के ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहंदी जैसा भी पालक नहीं होना चाहिए और बहुत ही दरदरा भी पालक नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले आपको पैन में ऑयल डालने के बाद खड़े मसाले डालने हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, व्हाटएवर। मैंने डाली थी बड़ी इलायची। उसके बाद मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भूना। उसके बाद मैंने टमाटर और लहसुन का पेस्ट डाला। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर। फिर मैंने डाला पालक। पालक के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करने के बाद जब सारा तेल ऊपर आने लगेगा तो हम डालेंगे पनीर के क्यूब्स जो हमने रेडी किए थे। उसके बाद हम और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कुक होने का इसको टाइम देंगे लगभग 10 से 15 मिनट। ग्रीन चिलीज़ को अगर हम स्लिट करके ऊपर से डालते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ मैंने 2 से 3 हरे मिर्च बीच में से स्लिट करके डाली है। पालक पनीर को थोड़ा और अच्छा कलर देने के लिए यहाँ हम तैयार कर लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैं रेडी कर रही हूँ ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये बहुत ही अच्छा कलर छोड़ती है। एंड में हम गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से। आप क्रीम को थोड़ा सा डाइल्यूट करके भी डाल सकते हो। मैंने ऐसे ही डाल दी थी और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है। पालक पनीर की सब्जी को आप सर्व कर सकते हैं जीरा राइस के साथ भी, नॉर्मल रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी, लेकिन मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी। और ये है हमारा तंदूर। हम घर में भी काफ़ी ईजी वे में तंदूर की रोटी बना सकते हैं। बटर या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो अपनी रोटी पे लगाएं और फिर देखें इसका टेस्ट कितना अच्छा एनहांस हो जाता है। और ये हमारी तंदूर रोटी, होममेड तंदूर रोटी भी बनके तैयार है। चलिए अब सर्व करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। बाय बाय।